हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, कामाख्या ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज जैन और मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। काफी सारे ग्लोबल ज्वेलर्स आज की डेट में यहाँ पर इंडिया में हैं, काफी तरह की उस तरह की एग्जीबिशन हैं जहाँ पर बायर सेलर मीट चल रही है, तो काफी हद तक ये जो इंटरनेशनल बायर्स हैं इनका मानना है कि वो इंडिया में क्यों आते हैं डिजाइन के लिए, इनोवेशन यहाँ पर काफी अच्छी है। तीसरी चीज है लेबर के हिसाब से कि यहाँ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आपको कस्टम मेड देने के लिए तैयार हैं, जो कि बाकी कंट्रीज में ढूंढना मुश्किल है। तो आप कहेंगे इंडिया इन दैट सेंस भी एक बड़ी मार्केट होती जा रही है क्योंकि और ज्यादा बायर्स यहाँ पर अब आने लगे हैं। नमस्ते मनीषा जी। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट हमेशा ही इंडिया की जो हैंडमेड ज्वेलरी है वो रेप्लिकेट कभी भी नहीं हो सकती है। 15 डेज टू 17 डेज जो टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, राजकोट, कोयम्बटूर, त्रिशूर, ये सब जगह पर हैंडमेड ज्वेलरी है वो उसकी कैपिटल इंडिया ही है और उसके लिए सबको इंडिया आना पड़ता है। यहाँ पर भी जितनी ज्वेलरी है, सपोज गल्फ के अंदर जाएंगे, दुबई के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता की बड़ी बड़ी ज्वेलरी आपको दिखेगी। अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे या यूके के अंदर जाएंगे तो वहां पर राजकोट के छोटे इयररिंग, चेन्स के साथ छोटे से पेंडेंट, ये सारी ज्वेलरी दिखेगी। और आप नीचे श्रीलंका के अंदर जाएंगे, उसके अंदर कलर स्टोन्स के अंदर कुछ गोल्ड की हैंडमेड ज्वेलरी। तो ये सब ज्वेलरी की जो कैपिटल है मैन्युफैक्चरिंग की वो यहीं होती है। आज आप ये भी देखेंगे कि जो मशीनरी का सेक्टर था, जो पहले इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में जो ज्वेलरी बनती थी, वो सब मशीनें भी अभी इंडिया आ चुकी हैं और यहाँ की जो लेबर इतनी चीप और सही तरीके से जो माल हैंडीक्राफ्ट को इतनी अच्छी तरीके से बनाती है, वैल्यू एडिशन करती है, उस वजह से जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं वो इंडिया को ही प्रेफर करते हैं। और सेबा आने के बाद दुबई जो बेस बन गया है और जो रेट्स के अंदर जो जो ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है, उस वजह से जितने भी फॉरेन बायर्स हैं 99% कोशिश करते हैं कि इंडिया से आके बाय करें। यहाँ की फिनिश, यहाँ का लाइट वेट अनमैच्ड है और मुझे लगता है कि जो 37-38 बिलियन का जो अभी एक्सपोर्ट्स हो रही है फॉरेन मार्केट्स के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर 10-15% वो भी बढ़ेगी इस वजह से। हम हर बार ये बात करते रहते हैं कि भाव यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। देखिए, 50 डेज मूविंग एवरेज 2178 है, तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड को वापस टीम लानी है अंदर, तो 2250-2178 के पास आने के बाद 2500-2550 के आसपास, यानी 77-78 के आसपास आएगा गोल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल टेंशन जा रही है, आप देखेंगे कभी भी $30-40 ऊपर जा रहा है, जब ईरान इसराइल की भी आई तभी भी $30-40 ऊपर गया, फिर वापस आ गया अपने लेवल पे 4-5 दिन के बाद। तो ये पर टेम्पररी फेज है, लेकिन सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है और बाकी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सोना बढ़ेगा, लेकिन एक करेक्शन इसके अंदर बनती है जिससे वापस टीम पर आ जाएगी। ओके, तो 2200-2000 नीचे में, ऊपर में 2500 यहाँ पर टॉपिश होता हुआ नजर आ रहा है, ये एज ऑफ नाउ सोने को लेकर व्यू बनता हुआ दिख रहा है।